वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 367,705 हो गई है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से निपटने की तैयारियों की रिव्यू मीटिंग की। उन्होंने कहा कि हाई लेवल कमेटी ने दिल्ली में कोरोना जांच फीस 2400 रुपए तय की है। अगर यूपी और हरियाणा में भी फीस ज्यादा है तो राज्य सरकारें इसे आंतरिक सहमति से घटा सकती हैं। गृह मंत्री जी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें एनसीआर एज अ होल यूनिट को कैसे कोविड से बचाया जा सके, क्योंकि एनसीआर को अलग नहीं किया जा सकता। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये सब फरीदाबाद, ये सब एक ही है। तो उन्होंने बाकी दोनों राज्यों के जो आसपास के डीएम्स थे और वो उनको सबको बुलाया हुआ था, तो एक तरह से उसको पूरे को एक कोरोना के लिए एक यूनिट मानने का पॉइंट। उधर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद स्वास्थ्य की देखभाल पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। उम्मीद है कि कोरोना के कारण योग करने का चलन भी बढ़ेगा। भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे जीतेगा भी, आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को कोरोना टेस्टिंग के लिए देश की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की। इस लैब को देश के दूरदराज इलाकों में भी भेजा जा सकेगा। इसके जरिए रोजाना 300 से ज्यादा टेस्ट हो सकेंगे। इसके अलावा टीबी और एचआईवी से जुड़े कुछ परीक्षण भी होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1.62 लाख टेस्ट हुए हैं। इसके साथ देश में अब तक 62,49,668 सैंपल की जांच हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अपने आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 12,881 मामले सामने आए और 334 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में संक्रमितों की संख्या 3,66,946 हो गई। इनमें 1,60,384 एक्टिव केस हैं, वहीं 1,94,325 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 12,237 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस का प्रकोप अब बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 630 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है। यहां अब तक करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जानकारी राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी। उधर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,52,542 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 84,91,614 हो गया है। अब तक 44,48,794 लोग ठीक हो चुके हैं। उधर दक्षिण अमेरिका महामारी का एपिसेंटर बना हुआ है। यहां संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूरे दक्षिणी अमेरिका में अब तक 65,088 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,91,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इनमें ब्राजील में 9,60,000, पेरू में 2,40,000 और चिली में 2,20,000 लोग कोरोना इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब हम दुनिया के बाकी देशों में कोरोना वायरस के मामलों से रूबरू होते हैं। अमेरिका में अब तक 22,43,408 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, या 1,20,095 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में 9,60,309 लोग इन्फेक्टेड हैं, वहीं 46,665 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम रूस की बात करें तो यहां पर अब तक 5,61,091 लोग कोरोना संक्रमित हैं, यहां 7,660 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्रिटेन में 3,469 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, यहां 42,288 लोगों की मौत हो गई है।
स्पेन में 2,91,763 लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं, या 27,136 लोगों की जिंदगी कोरोना वायरस लील चुका है। पेरू में 2,40,908 लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, या अब तक 7,257 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 2,37,828 लोग कोरोना इन्फेक्टेड हैं, जबकि 34,448 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करते हैं चिली की, तो यहां पर 2,20,628 लोग इन्फेक्टेड हैं, यहां अब तक 3,615 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,97,647 हो गई है, यहां 9,272 लोगों की जान जा चुकी है। ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। कोरोना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।